आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिविजिबिलिटी होता क्या है? तो डिविजिबिलिटी क्या होता है? नंबर डिविजिबल मींस होता है किसी भी नंबर को कि आप किसी भी नंबर से डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद एक होल नंबर आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर से आप किसी भी नंबर्स को डिवाइड करेंगे और वो डिवाइड होने के बाद क्या एक होल नंबर आए, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर अदर नंबर से डिविजिबल होगा। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे किस तरीके से कौन सा नंबर हम चेक करते हैं कि वो डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसको करने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। पर लेकिन आप डिवाइड करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और जल्दी से आपका आंसर नहीं आ पाएगा। इसलिए आज मैं कुछ मेथड बताऊंगा जिससे आप इजीली डिविजिबिलिटी फाइंड कर सकें और आपको बहुत ही कम टाइम में आप अपना आंसर ले सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारा, जैसे डिविजिबिलिटी वह होता क्या है, मैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो मुझे चेक करना है 14 का डिविजिबल कि क्या ये नंबर 14 से डिविजिबल है। 14 इज़ डिविजिबल बाई 7, ये हमें चेक करना है। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास यही मेथड है। अभी देखो कितना आ गया, 2। तो ये क्या एक होल नंबर है। ठीक है, ऐसे हमने 15 को हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है, 2 होल। ये क्या होगा, 2 से 7 से आप डिवाइड करेंगे तो ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स ये एक होल नंबर नहीं आया, तो ये क्या होगा, ये डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है, अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज़ क्या आएगा, 0। तो 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन अगर आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा, लेकिन 0 से अगर डिवाइड करते हैं, समझिएगा बात को, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है कि अभी तक ये किसी ने भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया है कि क्या आता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इनडेफिनेट होता है या फिर इनफाइनाइट होता है। ठीक है, लेकिन 0 को अगर हम किसी भी नंबर से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ऑलवेज़ 0 आएगा। तो ये कह सकते हैं कि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा वो क्या होगा, एक होल नंबर आएगा। क्लियर है? अब देखो ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा, तो डिविजिबिलिटी रूल में कुछ मेथड होते हैं। जैसे अब ये डिविजिबिलिटी आ गया, हमें चेक करना है 723 क्या 3 से डिविजिबल होगा। तो मैंने क्या किया, सभी को ऐड किया, 7 + 2 + 3 = 12। तो 12 आया, और 12 को अगर हम अब 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं तो एग्जैक्टली कितना आ गया, 4। दैट मीन्स ये क्या आ गया, एक होल नंबर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट नंबर क्या होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर? अब देखिए हम ऐसे ही कुछ नंबर्स हैं बेसिक जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारा, जैसे मैंने अभी 0 का बताया था, 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर और इट्स सेल्फ। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 0 से अगर आप किसी को डिवाइड करेंगे तो वो नहीं होगा। अब सबसे पहले है हमारा नंबर 2। अगर हमें चेक करना है कि क्या 2 से कोई नंबर डिविजिबल, अगर चेक करना है तो कैसे होगा, जैसे अगर यदि लास्ट नंबर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये लास्ट नंबर आते हैं किसी भी डिजिट के, तो हम ये कह सकते हैं वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे फर्स्ट नंबर है, इसमें लास्ट नंबर क्या है, यूनिट प्लेस नंबर है हमारा 8, दैट मीन्स ये क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। लेकिन यहाँ पर यूनिट प्लेस नंबर है 9, तो क्या हो गया, ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8, और हम ये कह सकते हैं कि लास्ट में इवन प्लेस, जो यूनिट प्लेस है वहाँ पर इवन नंबर होना चाहिए, और 0 भी एक इवन नंबर होता है। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा दूँगा कि 0 को हम इवन नंबर क्यों कैटेगरी में लेके आए हैं इवन नंबर की। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा, हमारा क्या हो, इवन नंबर हो, तो इवन नंबर होगा तो हमारा नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, चाहे वो 10 डिजिट हो, चाहे 50 डिजिट हो, चाहे 100 डिजिट क्यों ना हो, बस आपको लास्ट नंबर देखना है, यूनिट प्लेस नंबर। अगर यूनिट प्लेस में क्या हो, इवन नंबर्स होंगे, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट है 3 के केस में। 3 में कैसे चेक करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, जितनी भी बड़ी डिजिट आपको दी गई है तो आपको क्या करना है, उनके नंबर्स का सम करना है। हमने उन नंबर्स का सम किया, जैसे हमारे पास 381 था, 3 + 8 + 1 = 12, तो 12 आया, तो 12 को हमने 3 से डिवाइड करके देखा तो एक एग्जैक्ट एक होल नंबर आया, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 381 डिविजिबल होगा 3 से।
ऐसे हमने 217 का चेक किया तो 2 प्लस 1 प्लस 7 इज 10 और ये कितना आया 10। अब आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक होल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होल नंबर नहीं होगा इसलिए हम ये कह सकते हैं ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, सभी का सम करना है। सम करने के बाद जो भी आएगा उसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो वो अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 3 के केस में हमने क्या किया, सभी नंबर्स का अलग अलग सम किया। नेक्स्ट है 4। अगर हमें ये चेक करना है कि 4 कोई नंबर डिविजिबल होगा किसी नंबर से तो हम कैसे करते हैं, चाहे वो डिजिट 10 क्यों ना हो या 20 क्यों ना हो या 30 क्यों ना, हमें ओनली लास्ट के 2 नंबर चेक करने हैं, ठीक है। ओनली लास्ट के 2 नंबर देखने हैं। अगर यहाँ पर 12 लास्ट के 2 नंबर है 12, दैट मीन्स हमने उसको 4 से डिवाइड किया तो 4 3 12, तो ये क्या आ गया, डिविजिबल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं लास्ट के 2 नंबर देखता हूँ 19 और 19 को मैं 4 से भाग करता हूँ तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो ये कितना आएगा, 4 होल 3/4, दैट मीन्स ये डिविजिबल नहीं है। तो 4 के केस में हमें लास्ट के 2 नंबर देखते हैं, यदि लास्ट के 2 नंबर डिविजिबल हो गए 4 से, दैट मीन्स वो कंप्लीट नंबर डिविजिबल हो जाएगा। आगे चाहे 10 नंबर हो, चाहे 20 नंबर हो, चाहे 30 नंबर हो, डजंट मैटर, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस हमें क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर चेक करने हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा 5 के केस में क्या होता है, हमें लास्ट में जो लास्ट का यूनिट प्लेस नंबर है या तो वो 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पर देखिए इस केस में 5 है, दैट मीन्स ये नंबर डिविजिबल होगा। ये क्या है, 9 है, तो दैट मीन्स ये डिविजिबल नहीं होगा। तो लास्ट के जो नंबर्स होते हैं 5 के केस में, लास्ट में नंबर अगर 0 हो और 5 हो, चाहे वो आगे उसके कितने भी नंबर हो, लेकिन अगर लास्ट की डिजिट 0 और 5 होंगी तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा, क्लियर है। अब चेक करते हैं हम 6 के बारे में। 6 के बारे में हमें ये चेक करने, दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 2 के लिए और एक 3 के लिए। तो दोनों की दोनों वैल्यू अगर सेटिस्फाई करेंगी, 2 से भी डिविजिबल होना ज़रूरी है और 3 से भी होना ज़रूरी है। अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। यदि वो 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्लियर है। अब देखते हैं एग्जांपल, जैसे मैंने लिया 114, 114 को 2 से डिविजिबल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से लास्ट का क्या नंबर क्या है, 4, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल होगा। अब हम 3 के लिए चेक करते हैं तो सभी को ऐड करेंगे, 1 + 1 + 4, दैट इज 6, तो 6 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे ही हम 308 को चेक करते हैं, तो पहली कंडीशन ए 2 वाली है, तो 2 से ही डिविजिबल हो गया, ठीक है। 2 से डिविजिबल हो कि लास्ट में क्या है, 8 है, तो 2 से डिविजिबल है। लेकिन अगर हमें 3 से चेक करना हो तो हम सभी का सम करेंगे और वो कितना आ गया, 11, और 11 3 डिवाइड नहीं होगा 3 से, दैट मीन्स वो डिविजिबल नहीं है, क्लियर है। अगेन देखिए हमें क्या करना है, अगर हमें 6 का चेक करना होता है तो हमारे 2 और 3 की जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। 2 से हमने किया डिविजिबल है और 3 से किया तो भी डिविजिबल है, तो ही नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अगर दोनों में से एक से भी डिविजिबल नहीं हुआ, दैट मीन्स वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है 7 का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर हमें 7 का चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट का नंबर है उसका डबल करेंगे और जो आगे नंबर बचे उसमें से माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो 7 से डिवाइड हो जाएगा तो वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे 105 है, 105 का 5 का डबल कितना होगा, 10, और 10 - 10 इज 0, दैट मीन्स ये भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर देखिए 905 है, 905 का डबल कितना होगा, 10, 5 का डबल 10 हो गया, और 90 - 10 आ गया 80। अब 80 को 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, होल नंबर नहीं आएगा, दैट मीन्स ये डिविजिबल नहीं है। तो इस का मेथड निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने जो यूनिट प्लेस था उसका डबल किया और जो बाकी आगे के नंबर्स हैं उसमें से माइनस कर दिया। अगर माइनस करने के बाद जो नंबर्स आता है वो 7 से भाग हो जाएगा तो वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्लियर है। 7 के केस में एक ये भी होता है, अगर कोई डिजिट 6 बार रिपीट हो रही है, 2 2 2 6 बार आप लिख देंगे तो वो भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर डिविजिबल होगा 8 से, तो 8 से डिविजिबल के लिए हम क्या चेक करते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे 8 के बारे में। तो 8 का अगर हमें ये चेक करना है कि क्या वो नंबर डिविजिबल होगा, तो 8 के लिए हम क्या करते हैं, हम लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट लेंगे और उसको डिवाइड करके देखेंगे 8 से, अगर वो 8 से डिवाइड हो जाएगा दैट मीन्स
होल नंबर आ जाएगा तो वो डिविजिबल होगा। ऐसे ही मैंने 302 को लिया और डिवाइड करके देखा तो एक होल नंबर नहीं आया, ठीक है, तो वो डिविजिबल नहीं होगा। तो 8 के केस में हमें क्या करना है, हमें लास्ट के तीन नंबर देखने, चाहे वो 50 डिजिट का नंबर क्यों ना हो, बस हमें लास्ट के तीन नंबर देखने हैं। और तीन नंबर अगर 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं वो कंप्लीट क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। क्लियर है? तो 8 के केस में हमें क्या करना होता है, लास्ट के तीन नंबर देखने हैं और तीन नंबर वो डिविजिबल होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। और कुछ तरीके ये भी होते हैं कि हम क्या करें, उसको 2 से डिवाइड करें, फिर जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करें, फिर जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करें, अगर लास्ट तक भी एक होल नंबर आता रहेगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो 8 से डिविजिबल होगा। अगर ऐसा इसको फॉलो नहीं करता, जैसे यहाँ पर फॉलो नहीं किया, ये पॉइंट में आ गया, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हमें ये चेक करना है 9 से किसी भी नंबर को, अगर हमें ये चेक करना है कि वह 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो 9 के केस में जो मैंने आपको पहले बताया था, जो 3 का केस होता है वही 9 का होगा, तो हमें क्या करना है, जितने भी नंबर्स देंगे सबको सम करिए और सम करने के बाद क्या आएगा उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही सबको सम किया तो 18 आया, 18 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 9 से, 9 टू जा 18, तो वह नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। या फिर 18 आया उसको हम 8 + 1 9 भी लिख सकते हैं, इसका भी सम कर सकते हैं और सम करने के बाद होगा तो वो डिविजिबल होगा। तो हम ये कैसे, जैसे हमने 3 का किया था वही हमारा 9 का भी होगा, सभी नंबर्स का सम करिए और सम करने के बाद अगर वो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल होगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है 10। 10 के केस में हम क्या करते हैं, 10 का सबसे आसान केस होता है, जो हमें नंबर है यदि लास्ट नंबर 0 हो तो वो हम कह सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल होगा, अगर लास्ट नंबर यूनिट नंबर यूनिट प्लेस नंबर 0 नहीं होगा तो वो डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? तो 10 के केस में हम ओनली ये देखते हैं कि लास्ट नंबर हमारा 0 होना चाहिए, 0 नहीं है तो वो नंबर हमारा डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है 11। 11 का केस जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, 11 के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस 11 के ही पूछते हैं कि क्या कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके केस में हम क्या करते हैं, जैसे है 1364, हम क्या करें, इनका डिफरेंस फाइंड करें, इवन प्लेस का, इवन प्लेस का मतलब जैसे दो और चौथे नंबर पे कौन कौन से नंबर हैं, तो कितना हो गया 7, और पहले और तीसरे नंबर पे कितने नंबर, 4, 3, 7, तो इनका जो डिफरेंस होगा, इनका जो डिफरेंस होगा यदि वो 0 आए या फिर 11 के मल्टीपल आए तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा, या तो 0 आए या फिर 11 के मल्टीपल आए, अगर इन कंडीशंस को फॉलो करेगा तो वो नंबर डिविजिबल होगा। जैसे मैंने 913 लिया तो 9 और 3 कितना होगा 12, और 12 - 1 कितना हो गया 11, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। तो हमें क्या किया, इवन प्लेस और ओड प्लेस के नंबर्स का सम किया और उन दोनों के बीच के आपस का डिफरेंस निकाल लिया, अगर ये करने के बाद में 0 आता है या 11 के डिविजिबल 11 के मल्टीपल कोई नंबर आता है तो हम ये कहेंगे वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो आप चेक कर रहे हैं 11 के बारे में, तो 11 में मैंने बताया आपको कि क्या होगा, हमें क्या करना है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस के बीच सम करना है और सम करने के बाद आपस में उनका डिफरेंस फाइंड करना है, और डिफरेंस करने के बाद यदि 0 आता है या फिर 11 के मल्टीपल आते हैं 11, 22, 33 तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो ये हमारा था नंबर डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मेनली 11 के और 8 के केस सबसे ज़्यादा आते हैं, तो आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।